Dear students, मैं एलआर वंशी हूँ फ्रॉम गुरु मंत्र क्लासेस। आज हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एक मोशन के लिए जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता है उस ग्राफ का एरिया डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होता है, हम उपयोग करना है। हमने दो तरह के मोशन पढ़े हैं, एक यूनिफॉर्म मोशन जिसमें कि पार्टिकल एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ में मूव करता है, और दूसरा मोशन विद यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन जिसमें पार्टिकल एक कांस्टेंट एक्सीलरेशन के साथ में चलता है। इन दोनों तरह के मोशन के लिए ये करेक्ट है, ये सही है कि उसमें जो भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ होगा उसका एरिया जो है वह डिस्प्लेसमेंट के बराबर होता है। इट इज इक्वल टू द डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो हमको प्रूव करना है, तो पहले ले रहे हैं फॉर यूनिफॉर्म मोशन। मींस v इज इक्वल टू कांस्टेंट, एक समान गति के लिए हम ले रहे हैं जिसमें वेग जो है वो नियत है, वेग जो है वो कांस्टेंट है। तो इसका जब ग्राफ बनेगा तो कुछ इस तरह से बनेगा। मैंने आपको पहले बताया कि टाइम इज ऑलवेज टेकन अलोंग एक्स एक्सिस एंड वेलोसिटी दूसरी जो क्वांटिटी है दैट मस्ट बी टेकन अलोंग द वाई एक्सिस। यहाँ वेलोसिटी जो है वो वाई एक्सिस में होगा। अब वेलोसिटी तो कॉन्स्टेंट है, हम किसी भी टाइम में देखें तो कॉन्स्टेंट चल रहा है, तो ग्राफ उसका यू बनेगा कि जीरो टाइम पर कितनी वेलोसिटी कितना, एक सेकंड बाद कितना तो उतना ही, दस सेकंड बाद कितना तो उतना ही, वेलोसिटी में चेंज नहीं आ रहा है। तो ग्राफ इस तरह से बनेगा पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये बात समझ में आई, पैरेलल टू टाइम एक्सिस। अब हमको अपना ये ग्राफ जो है वो कितना एरिया कवर कर रहा है इस एरिया के बराबर डिस्प्लेसमेंट होता है प्रूव करना है। ये जो एरिया है इट इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बिटवीन जीरो से टी टाइम तक। तो टी टाइम में मान लो ये टी टाइम है, ग्राफ ने इतना एरिया कवर किया, तो एरिया ऑफ द ग्राफ इज इक्वल टू द लेंथ इनटू ब्रेथ, लंबाई गुणा चौड़ाई। ये क्या है, ये तो एक रेक्टेंगल है, एक आयत है, तो आयत का एरिया होता है लंबाई गुणी चौड़ाई, तो लंबाई मेरा v इनटू t, वेलोसिटी इनटू टाइम, एंड वेलोसिटी इनटू टाइम वेग गुणी समय बराबर होगा डिस्प्लेसमेंट। इट इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। तो यूनिफॉर्म मोशन में वेलोसिटी टाइम ग्राफ के भीतर जो भी एरिया है इट इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। अब हमें देखना है कि क्या यही बात, क्या सेम फैक्ट यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन के लिए भी होता है। तो सेकेंड हम ले रहे हैं फॉर द मोशन विद यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन के लिए, और यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन means अब now a is equal to constant, आपका a constant है, उसके लिए कैसा, तो यदि a constant है और acceleration है तो particle की velocity तो time to time बढ़ता जाएगा या घटता जाएगा, ऐसा भी है। positive acceleration है तो बढ़ रहा है, negative acceleration यानी कि retardation है तो घटती है, जैसा भी है। मैं यहाँ पर पॉजिटिव एक्सेलरेशन ले रहा हूँ, तो एट द टाइम t इक्वल टू जीरो द वेलोसिटी इज u। इक्वेशन कैसे बनता है, v इक्वल टू u प्लस vt। तो v और t के बीच में यदि हम एक ग्राफ प्लॉट करें तो इक्वेशन कहता है इट मस्ट बी स्ट्रेट लाइन, ये जरूर की जरूर एक स्ट्रेट लाइन होना चाहिए। जब किसी इक्वेशन में जो वेरिएबल्स है, यहाँ पर देखो u इज कांस्टेंट, a इज कांस्टेंट, हमने a को कांस्टेंट मान रखा है। वेरिएबल कौन कौन से हैं, तो टाइम बदल रहा है,
और टाइम के साथ वेलोसिटी मिल रहा है, तो दो वेरिएबल है। और इक्वेशन में दोनों वेरिएबल के पावर यदि 1 है तो उनके बीच खींचा गया ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन। तो यहां पर भी जो ग्राफ बनेगा स्ट्रेट लाइन होगा कुछ इस तरह से कि t इक्वल टू 0 पर वेलोसिटी इतनी है u और किसी टाइम t पर वेलोसिटी इतनी हो गई v। तो कितना एरिया इसने कवर किया, ये पूरा एरिया। अब हमें प्रूव करना है कि ये जो एरिया है इट इज अगेन इक्वल टू द डिस्प्लेसमेंट, ये फिर से डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा, ये आपको प्रूव करना है। तो चलिए यहां से मैं एक परपेंडिकुलर आगे वाले लाइन पे डाल देता हूं, एक परपेंडिकुलर डाल दिया ये। अब ये पूरा डिस्टेंस है भी ध्यान देना, उसमें से इतना डिस्टेंस आ गया यू, तो फिर ये डिस्टेंस कितना बचा, ये डिस्टेंस बच गया यू, यू माइनस यू। ठीक है, अब हमको एक पूरा एरिया निकालना है, पूरा एरिया निकालना है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ ने इतना एरिया बनाया है, तो इतना एरिया बनाया, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, इसके साथ मिलकर इसने इतना एरिया कवर किया। ये एरिया यहाँ पर दो पार्ट में डिवाइड हो गया, एक रेक्टेंगल और एक ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ द ग्राफ बराबर होगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब रेक्टेंगल का एरिया कितना होगा, तो लेंथ इनटू ब्रेथ, तो लेंथ हो गया u, ब्रेथ हो गया t, यानी u इनटू t प्लस। ट्रायंगल का एरिया कितना होता है, तो ट्रायंगल का एरिया होता है हाफ इनटू बेस इनटू हाइट, तो हाफ इनटू बेस, तो बेस देख रहे हो कितना है t के बराबर, इनटू हाइट, तो हाइट देख रहे हो v माइनस में इतने के बराबर। हाइट जो है इतना होगा, कितना है हम पहले कैलकुलेट कर चुके हैं, इट इज v माइनस u। अब v बराबर होता है u प्लस at, वैल्यू रख दीजिए तो हमको मिल गया ut प्लस हाफ t, और v की जगह रखा u प्लस at माइनस u। तो लास्ट ब्रैकेट में u और माइनस u तो कैंसिल हो गए, तो क्या मिल गया, तो क्या बच गया, ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ठीक है, ब्रैकेट खोलेंगे तो कितना आएगा, एंड ut प्लस हाफ at स्क्वायर मींस s, s बराबर होता है ut प्लस हाफ at स्क्वायर, यानी इस मोशन में भी ये किसके बराबर आया, तो अगेन इट इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। तो एरिया ऑफ vt ग्राफ इज ऑलवेज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, चाहे वो मोशन यूनिफॉर्म मोशन हो या फिर वो मोशन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ हो, इट इज ऑलवेज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। अब देखिए कि डिस्प्लेसमेंट इज ए पॉजिटिव वेक्टर क्वांटिटी, तो यदि कोई एरिया टाइम एक्सिस के ऊपर आया तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव मिलेगा, और कोई एरिया टाइम एक्सिस के नीचे आ गया है डिस्प्लेसमेंट इज निगेटिव, वो निगेटिव डिस्प्लेसमेंट को तो नीचे वाला कि ये ग्राफ इस तरह से आ गया मिला हमको, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो ये जो एरिया मिल रहा है, ये जो डिस्प्लेसमेंट मिल रहा है ये पॉजिटिव होगा, और ये जो मिल रहा है ये निगेटिव होगा। इसका एरिया मान लो S1, इसका एरिया मान लो S2, तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, एस वन माइनस एस टू, वो डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट यदि कोई कहता है तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, लेकिन कोई डिस्टेंस कहता है कि कितना डिस्टेंस चला है, एस को डिस्टेंस के टर्म में ले रहा है, तो डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता, वो हमेशा पॉजिटिव होता है। इस तरफ चल रहा है तो भी पॉजिटिव, और इस तरफ आ रहा तो भी पॉजिटिव। तो उस केस में यदि डिस्टेंस पूछा है तो डिस्टेंस हो गया एस वन प्लस एस टू, ये भी पॉजिटिव लेंगे आप। तो अगेन फिर से ध्यान देना कि क्वेश्चन को केयरफुली रीड करो,
ध्यान दो कि क्वेश्चन में मुझसे डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है कि मुझे क्वेश्चन में डिस्टेंस पूछ रहा है। डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है, ऊपर वाला पॉजिटिव और नीचे वाला नेगेटिव रखना है, लेकिन ये डिस्टेंस पूछ रहा है, ऊपर वाला पॉजिटिव और नीचे वाला भी पॉजिटिव ही रखना है, कहीं कोई नेगेटिव साइन नहीं आता। तो ये ग्राफ वाले क्वेश्चन बहुत पॉपुलर है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। इस तरह के आपको अनेकों अनेकों तरह के ग्राफ बना के दे देते हैं और आपसे डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करने के लिए। याद रखना कि यदि किसी ग्राफ का एरिया आप डायरेक्ट कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हैं तो आप उसको ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लेना, और बांटोगे तो क्या मिलेगा, रेक्टेंगल रेक्टेंगल मिलेगा, आयत बनेगा, ऑक्टेंगल मिलेगा, त्रिभुज मिलेगा, और दोनों के एरिया निकालना बहुत अच्छे से जानते हैं। अलग अलग एरिया निकालिए और लास्ट में सबको जोड़ दीजिए, सम कर दीजिए, तो आपको अपने पूरे प्रॉब्लम का डिस्प्लेसमेंट निकल आएगा। तो ये है द वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी कि जो भी एरिया बनाता है वह एरिया डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होता है। तो ठीक ऐसे ही जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है इसका स्लोप, और स्लोप क्या है मैंने पिछले वीडियो में बताया हुआ है, वो एक्सेलरेशन के बराबर होता है, ये भी हमको प्रूव करना है, तो ये भी हम अगले वीडियो में करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए आप सबको मेरा धन्यवाद।